भाई जी, ये आपका कौन सा मेहंदी हो गया, क्या नाम हो गया? हेना मेहंदी, चूल में लगाता है? चूल में, चूल में। ये आपका क्या रेट का होगा, एमआरपी क्या रेट है? ये होलसेल रेट है। मैं आसाम जोहराट का हूँ, आपका साथ है तो क्या बात है गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मेरा ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है गाइस। वही ये टाउन हो गया देखिए, और मैं अभी काम में निकल रहा हूँ, थोड़ा हवा भरा लेता हूँ, और ये लागे जुगे सामान उमान है ही। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, आपका साथ तो क्या बात, मिलता हूँ सफर में गाइस। गाइस मैं काम में जाते समय एक आपको दिस से दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, मेरे साथ बने रहिए मेरे साथ गाइस। गाइस जो मैं अंदर जा रहा हूँ, ये देखिए ग्लोबल स्केल से आपको यहाँ होलसेल भी मिल जाए, रिटेल में भी बेचते हैं लोग। और ये आपका ग्लोबल काटा, ये देखिए गाइस, और ये अपना मारवाड़ी पट्टी में है, ये देखिए मारवाड़ी पट्टी हो गया अपना, मारवाई ठाकुरबाड़ी का साथ में लगा हुआ है, 80 रोड हो गया हम लोग का, जोहराट सिटी का, जोहराट सिटी मारवाई पट्टी। वही मैं अंदर जा रहा हूँ गाइस, वही आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, यहाँ एक से एक आपको काटा मशीन मिल जाएगी, ग्लोबल काटा, ये देखिए एक से एक आपका यहाँ पर है, ये देखिए गाइस। और यहाँ आपको होलसेल में मिल जाएगा, रिटेल में मिल जाएगा गाइस, ये लोगों के पास वारंटी भी मिलेगा आप लोग को, कोई अपना दुकान के लिए ले सकते हैं, या फिर होलसेल के लिए भी आप लोग ले सकते हैं, यहाँ से लेकर बेच भी सकते हैं यहाँ से। और मेरा जोहरा सिटी आपका मारवाई पट्टी, मारवाई ठाकुरबाड़ी का साथ में लगा हुआ है, ये देखिए गाइस, ग्लोबल स्केल्स दुकान का नाम हो गया। ठीक है गाइस, यहाँ आप लोग आ सकते हैं, यहाँ आकर देखिए रेट उट देखिए, आपको अगर अच्छा लगता है रेट उट तब जाकर लीजिए गाइस, और मेरे बोलने पर मैं आप मत लीजिए गाइस, यही बात है, आप आकर देखिए पहले, रेट उट देख कर लीजिए, आप जानकारी करके लीजिए गाइस, यही बात है। मैं काम में जाते समय आपको जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश करा हूँ गाइस, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए गाइस, बहुत मन से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, ओनर बैठे हुए, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, आप लोग अगर मेरा चैनल के थ्रू कोई आने से तो उन लोगों को एक्स्ट्रा थोड़ा कुछ डिस्काउंट दीजिएगा ना भाई जी, जरूर दीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात गाइस, आप लोग यहाँ जब भी आप लोग यहाँ पर आएंगे मेरा थ्रू चैनल के थ्रू आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा, वही 30 किलो का है गाइस, ये देखिए 30 किलो का गाइस, ये देखिए गोबर काटा है, और इसका ये 30 केजी का है, इसका क्या रेट पड़ेगा भाई साहब? इसका रेट पड़ेगा 5000। 5000, और मेरा चैनल का थ्रू और कोई आएगा आपके पास तब तो थोड़ा कम बेसी कर ही देंगे, कम हो जाएगा ना, वही बात, ये गोबर काटा है गाइस, ये 30 केजी का है, वही मैं दिखाए हूँ काम में जाते समय। और गाइस एक एक ग्लोबल काटा है, ये तो कितना केजी का है भाई साहब? ये 100 किलो का है, 100 किलो का है, इसका रेट क्या पड़ेगा? इसका रेट पड़ेगा आपका 7000, एक क्विंटल का काटा 7000 में मिल जाएगा, एक क्विंटल काटा 7000 में मिल जाएगा, और कम बेची हो ही जाएगा, आने से हो ही जाएगा, वही मैं आपको दिखाया हूँ जितना हो सके यूनिक चीज दिखाता हूँ। और यहाँ अलग अलग मतलब वेट का अलग अलग रेट है, आपको होलसेल भी मिल जाएगा यहाँ पर, और डिटेल भी ये लोग करते हैं, और आपका अगर होलसेल में लेंगे तो आपको वही बात है, आपको चीप रेट में मिलेगा। और आप लोगों को इतना करके मैं दिखाया हूँ, अभी मेरे को काम में भी जाना है गाइस, वही बात, ठीक है, मिलता हूँ आपसे सफर में। गाइस मैं यहाँ आया हूँ, ये आपका लड्डू गोपाल टेक स्टाइल, अपना फुलवाली बाट गड़ाली जोरहाट सिटी, आपका मधुमिलन होटल के बगल में लगा हुआ है, लड्डू गोपाल टेक स्टाइल, है देखिए, ये देखिए गाइस, लड्डू गोपाल टेक स्टाइल, और ये इनका दुकान है, और ये ओनर है, राम राम भाई जी, राम राम, राम राम, और इनसे भी बात कराऊंगा मैं, आप लोग भाई जी, ये आपका कौन सा मेहंदी हो गया, क्या नाम हो गया? हेना मेहंदी, चूल में लगाता है? चूल में, चूल में। ये आपका क्या रेट का होगा, एमआरपी क्या रेट है? ये होलसेल रेट है, 50 पीस आता है इसमें, 2050, 50 पीस आता है, 2050, माने एमआरपी कितना है? एमआरपी 50 रुपया, 50 रुपया, और होलसेल क्या पड़ेगा? 20 रुपया, 40 रुपया, 50 पैसा, 40 रुपया 50 पैसा पड़ेगा ना। और ये क्या नाम है, कलरीना है ना, ये देखिए कलरीना है ना, बहुत बढ़िया है गाइस, यहाँ आपको होलसेल मिल जाएगा इनका पास आने से, यही बात है। और भी होलसेल में देते हैं, गमछा उमछा हुआ, ये सब सामान हुआ इनका पास, खाली आप लोग आइएगा। ठीक है ठीक है गाइस, मिलता हूँ आप लोग से। सुबह सवेरे शाम हम निकले, दिन भर करते मौज, हम है असामुराई।
सीएल। आपका साथ है तो क्या बात है, आगे चलो बढ़ते चलो, जय हो जय हो जय हो। सुबह सब गाइस जो ये राइडिंग करते जा रहा था मैं काम में, और ये देखिए बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट होकर रखा हुआ है, ट्रक का डिवाइडर को तोड़ दिया। देखिए इस जगह का नाम हो गया सारिंग है, ये देखिए लाइट पोस्ट भी आपका बेकार हो गया। और मैं जोहार सिटी से आपका लगभग ये आपका 8 किलोमीटर की दूरी पर है गाइस। ये देखिए बहुत ख़राब से एक्सीडेंट होकर रखा हुआ है। वही जाते समय मेरे को ये दृश्य दिखा तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए डिवाइडर को पूरा तोड़ दिया। ये गाड़ी आपका रंगालाव ला रही थी सब्जी, रंगालाव की। ये देखिए अब दूसरा एक ट्रक आकर खाली कर रहा है गाइस। ये देखिए गाइस मैं अभी भी देरगांव पहुंचा हूं। मेरा जोहार सिटी यहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये देरगांव का चायली हो गया। देखिए यहां से 25 किलोमीटर आपका जोरहाट पड़ता है जोहार सिटी। और आज वेदर देखिए काला हो गया गाइस, अभी जैसे बारिश देगा वैसे ही लग रहा है। और ये देखिए देरगांव का चायली दिखा रहा हूँ गाइस। ये देखिए और सामान वामान तो है ही। ठीक है गाइस काम थोड़ा कर लेता हूँ, बारिश तो देगा, देखता हूँ। ठीक है मिलता हूँ आपसे गाइस। मैं यहाँ पहुँचा, इस जगह का नाम है पुरालगुड़ी। पुराना वीडियो से हमें मिलेगा, वही देरगांव में दो एक टू काम करके अब इधर आए हूँ। यहाँ जोहार से आपका यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है मेरा जोहार सिटी, आना जाना 70 किलोमीटर। अब मेरे को गोलाघाट भी आगे भी जाना है। ये पुरालगुड़ी का मार्केट दिखा रहा हूँ, सामान वामान तो है ही। और इधर बहुत, इधर तो पूरा रोड, ये देखिए पूरा धूप इधर में। ठीक है गाइस मिलता हूँ आपसे, बने रहिए मेरे साथ गाइस। गाइस ये देखिए गोलाघाट का रास्ता है, मैं जोहार सिटी यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी तक तो बन रहा है, धीरे धीरे बनेगा, यही बात है। ये देखिए मेरा जोहार सिटी से 55 किलोमीटर गोलाघाट टू देरगांव का रास्ता है। ठीक है गाइस कोई दिखाए हुआ सामान वामान तो है ही, मिलता हूँ गाइस। गाइस मैं गोलाघाट टाउन पहुँच गया, और ये गोलाघाट टाउन हो गया गाइस। ये देखिए ये गोलाघाट वही दिखाया हूँ आप लोग को, और थोड़ा यहाँ काम वाम कर लेता हूँ गाइस। और ये सामान वामान है ही। ठीक है गाइस बने रहिए मेरे साथ गाइस, आपका साथ तो क्या बात, मिलता हूँ गाइस सपोर्ट में। ठीक है गाइस बारिश दे दी और मैं गोलाघाट में ही फंस गया गाइस। तो ये देखिए इतना धूप में, देखिए बारिश देखिए, ये देखिए गाइस इतनी कड़ी धूप और बारिश देखिए, इतनी जोरदार बारिश देखिए गाइस, ये देखिए। और मैं लागे दुखे झाई फंस गया मैं थोड़ा यहाँ पर, ये देखिए इतनी कड़ी धूप में, इतनी जोरदार बारिश गोलाघाट में देखिए गाइस। तो ये अभी आया हूँ खाना खाने के लिए, और अभी गोलाघाट में ही हूँ मैं, और आज बहुत गर्म गाइस। और ये देखिए ये मिसेज बनाकर देता है, ये आपका रोटी होगी, पराठा, ये मूली का सब्जी, मर्चा, और ये चाय और समोसा लिया हूँ इस होटल में। ये देखिए और ये बाइक में बाहर में रख दिया बाइक। और वही बात गाइस खाना खा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे सफर में। ठीक है बने रहिएगा मेरे साथ गाइस। ये पुरालगुड़ी है, देखिए गाइस पुरालगुड़ी जगह का नाम, वही रास्ता चौड़ा हो रहा है, गोलाघाट चौड़ा टू गोलाघाट का रास्ता है। देखिए गाइस बहुत चौड़ा, बहुत सुंदर से बन रहा है। देखिए गाइस और मैं सामान वामान है ही, वही मैं दिखाया हूँ आपको। ये देखिए जाते समय भी दिखाया था गोलाघाट का रास्ता, ये आते समय भी दिखा रहा हूँ। देखिए गाइस बहुत चौड़ा बन रहा है। देखिए गाइस ये अपडेट देता रहूँगा गाइस मैं आप लोगों को। ठीक है मेरा सपोर्ट करिए, थोड़ा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को गाइस। ठीक है ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा मैं आप लोगों को। ठीक है मिलता हूँ गाइस आप लोग से सपोर्ट। गाइस शाम होगी है, मैं अभी देरगांव पहुँचा हूँ, गोला से सीधा आकर अभी देरगांव पहुँचा हूँ। थोड़ा देरगांव भी काम कर लेता हूँ गाइस, और जाते समय तो करा था, अभी और आते समय भी कर लेता हूँ। और ये सामान वामान है, ये देरगांव का इधर का नारकेलगुड़ी का मार्केट दिखा रहा हूँ आप लोगों को गाइस। 7 तो यहीं बज गई, 6:30। ठीक है गाइस मिलता हूँ, यहाँ भी कुछ काम कर लेता हूँ गाइस, आपका साथ तो क्या बात। सुबह सवेरे शाम हम निकले, दिन भर करते मौज, हम है असम राइडर, हो हम है असम राइडर ऑफिशियल। गाइस मैं पहुंच गया जोहार सिटी, और ये तेल भरा लिया मैंने देखिए पेट्रोल पंप से, और ये लागे सामान वामान तो है ही मेरा।
और आज भी बहुत घूमने पड़ा गाइस, मेरे को बहुत घूमने पड़ा, बहुत रनिंग, क्या करूँ, उपाय नहीं है। और हर जगह के बारे में आपको नया नया अपडेट देता रहता हूँ गाइस। और मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करिए गाइस, बहुत मन से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, जितना हो सके शेयर करिए गाइस। और वही बात है गाइस, और मैं दिन भर की मैंने आपका दिनचर्या दिखाता हूँ और आपको ब्लॉग भी बना लेता हूँ, काम भी कर लेता हूँ, राइडिंग भी कर लेता हूँ गाइस। यही बात, आज 30 साल से यही धंधा करते आ रहा हूँ, ठीक है ना। और कल फिर नए ब्लॉग के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम गाइस, आपको कहले लोग को जो है अखम गाइस।